गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नाउंस। एज यू ऑल नो वेरी वेल दैट वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर इन आवर नोटबुक्स। टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज हियर। ओके, सो व्हाट इज नाउन? यू ऑल नो वेरी वेल दैट नाउन को जो हिंदी में हम बोलते हैं वो संज्ञा कहते हैं। संज्ञा तो देखिए, सबसे पहले हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि संज्ञा एक्चुअल में होती क्या। व्हाट इज द नाउन? जानवर के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, राम, अलीगढ़, पेन, काउ, ये सारे क्या है हमारे? नाउन्स। यानी कि ऑल लिविंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। अब देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन एक्चुअल में होते कितने प्रकार के हैं। तो देखिए, देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ नाउन, बट आपकी बुक में जो आपको दिए गए हैं अभी इस टाइम पे आपको थ्री काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ने। ओके, तो देखिए पहले हम बता देते हैं आपको कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये फाइव काइंड्स होते हैं नाउन के। बट आपकी बुक में फिलहाल में जो आपको पढ़ना है वो है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ओके, तो देखिए सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो क्या होता है। प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यानी किसी भी विशेष व्यक्ति स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रीता। अब सारी गर्ल्स का नाम रीता तो नहीं होता, सबका एक अलग अलग नाम होता है, अपने आप का ही यूनिक होता है। अब जैसे कि यहाँ पे एनिमल नहीं, हमने कैट लिखा हुआ है, कैट। सारे एनिमल्स को हम कैट के नाम से नहीं बुलाते, सबका अलग होता है। कोई कैट होता है, कोई काओ, डॉग, बफेलो, कैमल, इस तरह से अलग अलग नेम होते हैं सबके। अब उसी तरह से टेबल, आगे सारी जो थिंग्स होती हैं उनको हम टेबल नहीं बुलाते, यानी कोई टेबल, बेंच, वाटर बॉटल, उसी तरह से सबके अलग अलग नेम होते हैं। अब जैसे कि जयपुर सभी को पता है सिटी का नेम है, तो सारी सिटीज़ के अलग अलग पर्टिकुलर नेम है, विशेष नाम से सारे शहरों को बुलाया जाता है। सारी कंट्रीज़ के अलग अलग नेम है, यानी कि हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान, शहर, सबका अपना एक अलग अलग नाम होता है। जैसे हमारा, आपका, सबका अलग अलग नाम है ना, उसी तरह से तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा प्रॉपर नाउन। ओके, अब चलते हैं सेकंड टॉपिक क्या है हमारा? कॉमन नाउन। अब देखिए कॉमन नाउन क्या है, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, कॉमन नाउन यानी कॉमन। कॉमन आई थिंक सभी जानते हैं कि जो सामान्य सबके लिए हो, ठीक है। तो देखिए, नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग और एनिमल, यानी कि वह नाम जो सभी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर को एक कॉमनली दिया जाता है, यानी कि सामान्य रूप से हम सबको उस नाम से बुला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टीचर, अब जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि आपके जो सारे टीचर्स हैं सबके अलग अलग नेम हैं, सबको आप अलग अलग नेम से बुलाते हैं कि ये वाले सर हैं, ये वाली मैम है, लेकिन कॉमनली उन सबको हम कैसे जानते हैं कि ये हमारे टीचर्स हैं। ओके, तो देखिए बर्ड, अब देखिए बर्ड, सारे बर्ड जो होते हैं उनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कोई पैरट होता है, कोई ईगल होता है, कोई स्पैरो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सबके अलग अलग नाम है, यानी कि अपना एक अलग नाम है, लेकिन उनकी जो पूरे कास्ट को हम बुलाते हैं वो किस नाम से बुलाते हैं? बर्ड के नाम से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा हुआ है रिवर। अब देखिए, रिवर जो सारी नदियाँ हैं उनको हम क्या बुलाते हैं? रिवर। बट अगर सेपरेटली, अगर पर्टिकुलरली हम बात करें तो सारी रिवर का अलग अलग नेम होता है, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, इस तरह से सारी नदियाँ अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। अब चलते हैं थर्ड टॉपिक, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक नाउन। अब समूहवाचक संज्ञा, अब देखिए समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सन और एनिमल इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। यानी कि जब कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, यानी कि उसको हम एक ग्रुप में जब बात करते हैं, एक ग्रुप में इंक्लूड करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? हमारा समूहवाचक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन। जैसे कि बहुत सारे लोग